एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर सोहोसी कहती कि उन लोगों को चांगसू पर भरोसा नहीं करना चाहिए और खुद की बदौलत ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सोहो डॉक्टर की बात मानते हुए बाथरूम वाले रास्ते से एग्जिट करने की सोचता है। सोहो और उसके सभी साथी बाथरूम के रास्ते से निकल ही रहे होते कि तभी सोहो को योंगरों के चिल्लाने की आवाज आती है, पर दोबारा आवाज न आने पर सोहो अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं योंगरों को लग रहा था कि सोहो बेसमेंट के रास्ते से भागने वाला है, तो वो बेसमेंट की तरफ जाती है। चांगसू अपने सभी एजेंट्स के साथ बेसमेंट के दरवाजे के बाहर हथियारों के साथ खड़ा था, ताकि जैसे ही उसे नॉर्थ कोरियन स्पाई मिले वो उन सभी को गोलियों से भून दे। पर जल्दी चांगसू को वॉकी टॉकी के जरिए पता चलता है कि सभी स्पाइस बाथरूम के रास्ते से भाग रहे हैं। बगैर एक भी सेकंड गवाए चांगसू अपने सभी एजेंट्स को कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द बाथरूम की तरफ भागना चाहिए। चांगसू की बात मानते हुए जैसे ही सभी लोग बेसमेंट के सामने की जगह खाली करते हैं, मौके का फायदा उठाते हुए वॉचमैन उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वॉचमैन के बेटे ने भी उन्हें बाहर निकलते हुए देख लिया था और वो भी उनका पीछा करता है। इस जगह से बाहर निकलने में हार्डवेयर शॉप का ओनर, जो कि एक नॉर्थ कोरियन स्पाई था, वो वॉचमैन की मदद करता है। चुपके से वॉचमैन का बेटा भी उन्हीं की कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही योंगरो बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचती है, ब्लैक टाइगर उसे पीछे से रोकते हुए कहता है कि जब तक सोहो के पास 300 मिलियन डॉलर है, तुम्हारे पापा उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। योंगरो ब्लैक टाइगर के सामने अपनी मन की शंका जताते हुए उससे कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर वॉचमैन से बाकी सभी स्पाइस की जान को खतरा है। योंगरो की ये बात सुनने के बाद ब्लैक टाइगर उसे शांत करते हुए कहता है कि सोहो और उसके साथी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एजेंट है और वो लोग अपनी सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। ब्लैक टाइगर योंगरो से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने हमें बेवकूफ बनाया है, वो हॉस्टल में मौजूद सभी हॉस्टेजेस की जान नहीं बचाना चाहते हैं, तो अब हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते कि वॉचमैन को जैसे ही पता चलता है कि उसकी कार में उसका बेटा है, वो अपने बेटे को बंदूक की नोक पर कार से नीचे उतार देता है और उससे ये भी कहता है कि आज से तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा पापा मर चुका है। वॉचमैन के बेटे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर में उसके पापा है कौन। चांगसू को जैसे इस बात का पता चलता है कि सभी स्पाइस हॉस्टल से भाग चुके हैं, वो हर एक रोड पर चेक पॉइंट लगा देता है। कार ड्राइव करते वक्त सोहो को जैसे ही चेक पॉइंट दिखता है, वो स्पाइली और जाग से कहता है कि तुम दोनों को कार लेकर आगे बढ़ना चाहिए, मैं और डॉक्टर पैदल पोर्ट तक पहुँच जाएंगे। सोहो की बातों को कंप्लीट करते हुए डॉक्टर उनसे कहती है कि 2 घंटे में तुम्हारी शिप है और हम दोनों सुबह 8 बजे वाली शिप से डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। डॉक्टर और सोहो की बात मानते हुए स्पाइली और जैक उन दोनों को अलविदा कहते हुए वहां से चले जाते हैं और उन लोगों की कार भी चेक पॉइंट से पास हो जाती है, क्योंकि पुलिस को स्पाइली और जैक की शक्ल के बारे में नहीं पता था। दूसरी तरफ हैना रिपोर्टर गाल के साथ एक रेडियो स्टेशन में जाती है। उस रेडियो स्टेशन में मौजूद सभी लोगों को बंदूक की नोक पर बाहर निकालने के बाद रिपोर्टर गाल रेडियो स्टेशन के जरिए सभी देशवासियों को रूलिंग पार्टी की इलेक्शन स्कीम के बारे में बताते हैं। रिपोर्टर गाल सभी देशवासियों को ये भी बताता है कि वुसु यूनिवर्सिटी की हॉस्टेज सिचुएशन भी इलेक्शन स्कीम का एक हिस्सा है। हॉस्टल में मौजूद सभी लोग भी इस न्यूज को सुन रहे थे। रिपोर्टर गाल को साइड में करते हुए हैना रेडियो के जरिए ब्लैक टाइगर से कहती है कि मुझ में भलाई तुम्हारी जितनी देशभक्ति नहीं है, पर मैं इनोसेंट लोगों को इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकती और मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगी जिससे कि मैं हॉस्टल में मौजूद सभी मासूम लड़कियों को बाहर निकाल सकूं। हैना इलेक्शन स्कीम के बारे में लोगों को और बता ही रही थी कि तभी रेडियो ऑपरेटर हैना जिस चैनल पर बोल रही थी उसे हैक कर लेते हैं और उस जगह एडवर्टाइजमेंट चलाने लगते हैं, जिससे कि हैना का कनेक्शन कट हो जाता है। हॉस्टल में मौजूद सभी हॉस्टेजेस इस बात से खुश थे कि फाइनली बाहर की जनता को इलेक्शन स्कीम के बारे में पता लग चुका है। बहुत देर चलने के बाद डॉक्टर और सोहो एक गुफा में रेस्ट करते हैं। बातचीत के दौरान डॉक्टर सोहो से पूछती है कि अगर तुम इस देश से सेफली बाहर निकल गए तो तुम कहाँ जाना चाहोगे। सोहो के पास डॉक्टर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, तो वो डॉक्टर से पूछता है कि आप क्या करना चाहोगी। तो डॉक्टर सोहो से मुस्कुराते हुए कहती है कि वो हमेशा से एक आम जिंदगी जीना चाहती है। डॉक्टर सोहो से कहती है कि वो हमेशा से एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जिसमें कोई भी मिशन ना हो और जहां वो सुकून से अपने पति और बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। डॉक्टर की ख्वाहिशों के बारे में सुनने के बाद सोहो उनसे कहता है कि वो ऐसी जिंदगी जरूर जिएंगी। डॉक्टर से बात करते वक्त सोहो अपनी जेब से कैसेट निकाल कर उसे प्यार से देखने लगता है। अब क्योंकि इलेक्शन स्कीम के बारे में पूरे देश को पता चल चुका था, तो हॉस्टल के बाहर
सभी माँ बाप रूलिंग पार्टी से अपने बच्चों की जान की भीख मांगने लगते हैं। सिचुएशन को बद से बदतर होता देख चांगसू अपने जूनियर को ये ऑर्डर देता है कि वो मिस्टर आन को रिलीज करे ताकि मिस्टर आन हाना को ठिकाने लगा सके। मिस्टर आन को भी जैसे ही कॉल के जरिए पता चलता है कि चांगसू को उनकी मदद की जरूरत है, उसकी खुशी फूले नहीं समाती। जल्दी मिस्टर आन हाना और रिपोर्टर गाल के पास पहुँचते है और बगैर समय गवाए रिपोर्टर गाल को गोली मार कर उनकी हत्या कर देते हैं। मिस्टर आन हाना को भी नुकसान पहुंचा सकते थे पर वो उसे कुछ भी नहीं करते क्योंकि हाना के पापा एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। जल्दी हाना के पापा भी उसी स्टूडियो में आ जाते हैं और वो हाना को जोर से थप्पड़ मारते हैं। दरअसल हाना के पापा भी एक करप्ट इंसान थे। वो मिस्टर आन से कहते हैं कि हाना ये सब जो भी बेवकूफी कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टाइगर की वजह से है। उसने जब पहले मेरी बेटी की जिंदगी में आने की कोशिश की थी मैंने उसे तब भी कचरे की तरह इसकी जिंदगी से बाहर फेंक दिया था और इस बार भी मैं ऐसा ही करूंगा। हाना अपने पापा की ये शब्द जैसे ही सुनती है उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। हाना गुस्से में अपने पापा से कहती भी कि आज तक मैं समझती थी कि ब्लैक टाइगर ने मुझे अचानक से छोड़ दिया है पर उसके मुझे छोड़कर जाने के पीछे तो आपका हाथ था। हाना के पापा गुस्से में उससे कहते कि तुम ऐसे इंसान से क्यों प्यार करती हो जो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। अपने पापा की बातों का रिप्लाई करते हुए हाना उनसे कहती कि वो जैसा भी है आपसे तो बहुत अच्छा है। हाना को जबान लड़ाते हुए देख उसके पापा उसे फिर से मारने जाते पर मिस्टर आन उन्हें रोक लेते हैं। जाने से पहले हाना के पापा मिस्टर आन से कहते कि इस लड़की को इतना मारना कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए और ब्लैक टाइगर को जिंदा मत छोड़ना। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर इस बात से परेशान थे कि हाना उनके कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही है। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट वार्डन से उसकी बड़ी बहन के बारे में पूछती है तो वार्डन बताती है कि मैं और तुम्हारी बहन पहली बार जर्मनी में मिले थे और तब से हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे पर एक दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन मेरे फियांसे की बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे इस बात पर इतना गुस्सा आया कि मैं अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर ही वापस कोरिया आ गई। पर कोरिया आने के 3 दिन बाद ही मुझे ANSP के एजेंट्स ने उठा लिया था क्योंकि मेरे फियांसे के प्रोफेसर एक नॉर्थ कोरियन स्पाई थे और ANSP को शक था कि मेरे फियांसे भी एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। उन लोगों ने मुझे लगातार कई दिनों तक टॉर्चर किया ताकि मैं उन्हें अपना कन्फेशन लिख कर दे दूं। अब अपने आप को बचाने के लिए मैंने तुम्हारी बहन का इस्तेमाल किया और ANSP से कहा कि नॉर्थ कोरियन एजेंट मैं नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वही मेरे फियांसे के साथ नॉर्थ कोरिया भी गई थी। वार्डन के कन्फेशन देने के बाद मिस्टर आन ने उसे और भी कई दिनों तक लगातार टॉर्चर किया और फिर उसे छोड़ दिया। और जब मिस्टर आन ने रिसेप्शनिस्ट की बहन को पकड़ा तो टॉर्चर के दौरान रिसेप्शनिस्ट की बहन की मौत हो गई। अपनी बहन की सच्चाई जानने के बाद रिसेप्शनिस्ट की आंखें नम हो जाती है और वो वार्डन से कहती है तो मेरी बहन की जान तुम्हारी वजह से गई है ना। रिसेप्शनिस्ट की बातों में हामी भरते हुए वार्डन उससे कहती है कि उसी की वजह से रिसेप्शनिस्ट की बहन की जान भी गई है और उसका फियांसी आज भी कोमा में है क्योंकि वो ANSP का टॉर्चर नहीं झेल पाया। वार्डन रिसेप्शनिस्ट को ये भी बताती है कि वो हर महीने में एक बार अपने फियांसी से मिलने जाती है ताकि वो उसके मेडिकल के सारे बिल भर सके। अपनी गलतियों को मानते हुए वार्डन रिसेप्शनिस्ट से माफी मांगती है पर रिसेप्शनिस्ट उससे माफ करने से मना कर देती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेंगी। वार्डन रिसेप्शनिस्ट को समझाने की कोशिश भी करती है कि उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए था और वो उस समय उसकी बहन से बहुत गुस्सा भी थी। पर रिसेप्शनिस्ट वार्डन की कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। गुस्से में रिसेप्शनिस्ट वहां से चली जाती है और वार्डन रोते बिलखते अकेले टेबल पर बैठी रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक और स्पाइली दोनों ही डॉक्स पर पहुंच गए थे। वो दोनों ही आपस में बात कर रहे थे कि डॉक्टर सोहो को पसंद करती है और इसी वजह से वो $300 मिलियन लेकर वापस हॉस्टल आई। स्पाइली की बातों को मानते हुए जैक भी उससे कहता है कि प्यार में एक अजीब सी ताकत होती है। वो दोनों आपस में थोड़ी और बातें करते हैं और फिर वो दोनों ही साउथ कोरिया के टेस्टी रामेन और फ्राइड चिकन को याद करने लगते हैं। जैसे ही स्पाइली जैक से कहता है कि वो एक आखिरी बार फ्राइड चिकन खाना चाहता है अचानक से स्पाइली को अपनी आंखों के सामने मरता देख जैक किसी चीज के पीछे छुप जाता है पर जल्दी वॉचमैन आकर जैक को भी गोली मार देते हैं। वॉचमैन जैक से सोहो और डॉक्टर के बारे में भी पूछते हैं पर जैक उनसे कहता है कि मेरी मोम को मत बताना कि मैं मर चुका हूँ। जैक के कहते ही वॉचमैन उसे एक और गोली मारते हैं और वहीं पर जैक और स्पाइली की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कुछ घंटों बाद इस इलेक्शन स्कीम की इन्फॉर्मेशन को शांत करने के लिए मिस्टर आन सभी रिपोर्टर्स के सामने ये कहते हैं कि हॉस्टल के अंदर युन चांगसू की बेटी योंगरू भी फंसी हुई है। दरअसल योंगरू का नाम लेकर मिस्टर आन ANSP और रूलिंग पार्टी के लिए सिंपैथी बटोरना चाहते थे कि और साथ ही साथ लोगों को ये भी जताना चाहते थे कि उनके लिए सभी स्टूडेंट्स एक बराबर है। चांगसू को मिस्टर आन की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी क्योंकि
चांगसू ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर पूरी दुनिया को योंगरो के बारे में पता चल गया तो वो योंगरो को चुपके से बाहर नहीं निकाल पाएगा। चांगसू मिस्टर रान पर गुस्सा भी करने लगता है, पर तभी मिसेस चांगसू आकर उससे कहती है कि मिस्टर रान ने जो कुछ भी किया वो सब उसी के कहने पर था। वो दोनों आपस में बात कर ही रहते कि तभी चांगसू को प्रेसिडेंट का कॉल आता है और प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि तुम शुरुआत से ही सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहते थे ना, और इसी वजह से तुमने अब तक हॉस्टल को बॉम्ब से नहीं उड़ाया है। चांगसू प्रेसिडेंट को समझाते हुए ही कहने की कोशिश करता है कि अगर हम लोगों ने सभी हॉस्टेजेस को नहीं बचाया तो कमिंग इलेक्शंस हम लोग हार जाएंगे। चांगसू की बातों को सुनते हुए प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि अगर मान लो मैंने उन हॉस्टेजेस को छोड़ भी दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो सभी लोग जिंदगी भर अपना मुंह बंद रखेंगे। चांगसू प्रेसिडेंट को अशोर करते हुए कहता है कि इस बात की जिम्मेदारी वो अपने सर लेगा। चांगसू की इन बातों का प्रेसिडेंट कोई भी जवाब नहीं देते और फोन रखने के बाद प्रेसिडेंट अपने जूनियर से कहते कि चांगसू से कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम नामतेल को अपॉइंट करो, वही अब इस सिचुएशन को अच्छे से संभालेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एएनएसपी के एजेंट नामतेल को बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, पर जल्दी फोन के जरिए नामतेल तक ये खबर पहुंच जाती है कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि हॉस्टेज वाली सिचुएशन अब नामतेल हैंडल करे। नामतेल को जैसे ही बात पता चलती कि उसे पावर फिर से मिलने वाली है, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। प्रेसिडेंट का जूनियर नामतेल से ये भी कहता है कि एक आखिरी चांस है नामतेल को अपने आप को प्रूव करने का। फोन रखने के बाद नामतेल उन लोगों को पूरी तरीके से टॉर्चर करता है जो कि उसे टॉर्चर कर रहे थे। तैयार होने के बाद नामतेल चांगसू के ऑफिस में जाता है और उसके डेस्क पर रखी हुई हर एक चीज को फेंकने लगता है। नामतेल चांगसू के जूनियर से ये कहता है कि वो चांगसू की जगह अब उसके जूनियर को बैठाएगा। दरअसल ये वही जूनियर था जिसने चांगसू को मरवाने के लिए नामतेल का साथ दिया था। दूसरी तरफ डॉक्टर और सोहो डॉक्स पर पहुंच जाते हैं। वो लोग डॉक्स पर पहुंचने के बाद जैसे ही जैक और स्पाइली की जीप देखते हैं वो दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर और सोहो की शिप को आने में और 30 मिनट बाकी थे तो वो दोनों ही रेस्ट करने के लिए जीप के अंदर बैठ जाते हैं। डॉक्टर जैसे ही रेडियो ऑन करती है उन दोनों को ही पता चलता है कि यून चांगसू की बेटी योंगरो भी हॉस्टल के अंदर फंसी हुई है और अब से हॉस्टल की सिचुएशन नामतेल ही हैंडल करेगा। न्यूज रिपोर्टर अपने दर्शकों से ये भी कहती है कि योंगरो ने नॉर्थ कोरियन स्पाइस की मदद की है और इसी वजह से चांगसू को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है। सो जैसे ही ये बात सुनता है वो डॉक्टर से कहता है कि वो योंगरो को बचाने के लिए फिर से हॉस्टल के अंदर जाना चाहता है। डॉक्टर सोहो को समझाते हुए कहती कि अगर इस बार वो हॉस्टल के अंदर गया तो वो जिंदा कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। पर सोहो को जैसे अपनी जान की फिक्र ही नहीं थी, उसे इस समय सिर्फ और सिर्फ योंगरो को बचाना था। डॉक्टर सोहो से कहती भी है कि उसे योंगरो को भूल जाना चाहिए और अगर वो इस देश से बाहर निकलने में कामयाब हुआ तो वो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी पाएगा। पर सोहो उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वॉचमैन और उनका साथ ही डॉक्टर और सोहो को पकड़ लेते हैं। वॉचमैन का साथी डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है और वॉचमैन सोहो के ऊपर बंदूक तान कर उसके सामने खड़ा रहता है। वॉचमैन सोहो से कहता भी है कि अपनी कंट्री को धोखा देने का नतीजा तुम्हारे सामने है, तुम भी ठीक उसी तरह मारे जाओगे जिस तरीके से कल मैंने तुम्हारे साथ ही जैक और स्पाइली को मारा था। ये बात जानकर कि जैक और स्पाइली अब इस दुनिया में नहीं है सोहो को इस बात पर बहुत दुख होता है। गुस्से में सोहो वॉचमैन से कहता है कि अगर मुझे अपने देश के साथ वफादार रहकर तुम्हारे जैसी जिंदगी जीनी पड़े तो मैं ऐसी जिंदगी पर थूकता हूँ, और ऐसी जिंदगी क्या काम की जिसमें तुम्हारी कोई पहचान ही ना हो। इनफैक्ट आज तक तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सच्चाई के बारे में नहीं जान पाया है। सोहो अपनी बातों को कंक्लूड करते हुए वॉचमैन से कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, पर मुझे किसी भी हालत में योंगरो को बचाने जाना है क्योंकि हॉस्टल की सिचुएशन अब नामतेल हैंडल कर रहा है और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते कि नामतेल जल्दी पूरे हॉस्टल को ब्लास्ट कर देगा। योंगरो का नाम सुन वॉचमैन भी थोड़े उदास हो जाते हैं और फिर सोहो के पीछे से जैसे ही वॉचमैन का साथी सोहो को गोली मारने वाला होता है वॉचमैन अपने साथी को गोली मार देते हैं, पर बदले में वॉचमैन का साथी भी उन्हें गोली मार देता है। अपने आखिरी समय में वॉचमैन याद करते हैं कि जो वार्डन करंट वार्डन के पहले इस डोम में रहती थी उस वार्डन को और किसी ने नहीं बल्कि वॉचमैन ने ही मारा था, क्योंकि उस वार्डन को पता चल गया था कि वॉचमैन एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। वॉचमैन के दम तोड़ते ही सोहो डॉक्टर को छुड़ाता है और उन्हें स्पाइली और जैक की मौत के बारे में बताता है। डॉक्टर को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो सोहो से कहती है कि हमारा देश हमें उनका गुलाम समझता है जो कि हमें इस्तेमाल करने के बाद हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। सोहो डॉक्टर से कहता है कि उन्हें सेफ रहना होगा। डॉक्टर सोहो को अपनी बैग से सर्टिफिकेट निकाल कर देती है क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि जब तक कि सोहो के पास ही 300 मिलियन डॉलर है रूलिंग पार्टी उसे हाथ नहीं लगाएंगी, पर सोहो डॉक्टर से कहता है कि ये पैसे वो अपने पास रखे ताकि वो जैक सोहो और स्पाइली की फैमिली को नॉर्थ कोरिया से निकालने में इन पैसों की मदद ले और उनके साथ एक आलीशान जिंदगी जिए।
डॉक्टर सोहो को एक आखिरी बार मन भर कर देख लेती है और फिर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर चैंगसू से हॉस्टेजेस की जान बख्शने के लिए भीख मांगता है। ब्लैक टाइगर चैंगसू से ये भी कहता है कि इन हॉस्टेजेस में से एक भी इंसान अपना मुंह नहीं खोलेगा और वो भी जिंदगी भर एएनएसपी का गुलाम बनकर रहेगा। ब्लैक टाइगर की बातों को समझते हुए चैंगसू से कहता है कि 5 मिनट के अंदर तुम बेसमेंट वाले दरवाजे से सभी हॉस्टेजेस को बाहर भिजवा देना। ब्लैक टाइगर इस बात से बहुत खुश होता है। चैंगसू जैसे ही मिस्टर रान को सभी हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने का ऑर्डर देता है, मिस्टर रान उससे कहते कि आप इस पोजीशन पर नहीं हो तो मैं आपकी बात क्यों मानूं। मिस्टर रान ब्लैक टाइगर को भी कॉल करके कहते कि अगर किसी हॉस्टेज ने भी हॉस्टल से बाहर कदम निकालने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामदेल एक बड़े से टैंक में बैठकर धमाकेदार एंट्री लेता है। वो सभी सिटीजन को यकीन दिलाता है कि वो हॉस्टल में मौजूद हर एक हॉस्टेज की जान बचा लेगा और उन सभी स्पाइस को तड़पा तड़पा कर मारेगा। हॉस्टल में मौजूद लोग जैसे ही न्यूज देखते उन सभी को एंजाइटी अटैक आने लगते क्योंकि वो लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर नामदेल यहाँ पर आ गया तो वो हॉस्टल में मौजूद हर एक इंसान को मार देगा। उन सभी लोगों को इस बात की भी चिंता हो रही थी कि अगर एएनएसपी के एजेंट अंदर आ गए तो वो उन लोगों की जान कौन बचाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टाइगर को ही बंदूक चलाना आता है। सोहो को भी रेडियो के जरिए ये सारी अपडेट्स मिल रही थी और वो जीप के जरिए योंगरो तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है। जल्दी नामदेल एएनएसपी के बेस के अंदर आ जाता है और वो चैंगसू को भला बुरा कहने लगता है। नामदेल जैसे अपने एजेंट से बॉम्ब का रिमोट मांगता है, चैंगसू उस रिमोट को जमीन पर पटक देता है जिससे कि वो रिमोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नामदेल को चैंगसू की इस हरकत पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जोर से पंच करता है। चैंगसू नामदेल को समझाने की कोशिश भी करता है कि अगर उन लोगों को इलेक्शन जीतना है तो उन्हें किसी भी हालत में स्टूडेंट्स को बचाना ही होगा। नामदेल चैंगसू की एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था और वो चैंगसू को एएनएसपी के बेस से धक्के मार कर बाहर निकलवा देता है। योंगरो और बाकी हॉस्टेजेस को बचाने के लिए चैंगसू अपने जूनियर को कॉल करता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द हाना को छोड़ दे। जूनियर पहले तो इस बात के लिए हिचकिचाता है पर फिर चैंगसू जब उसके साथ सख्ती बरतता है तो वो हाना को छोड़ देता है। चैंगसू ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अगर हाना रिलीज हो गई तो वो ब्लैक टाइगर की मदद करेंगी हॉस्टेजेस को बचाने के लिए। हाना जल्द से जल्द एक मिनी बस चुराती है और वहाँ से भाग जाती है। योंगरो ब्लैक टाइगर और वार्डन इस बात से परेशान थे कि आखिर वो हॉस्टल में मौजूद हॉस्टेजेस को सेफली बाहर कैसे ले जाए। उन तीनों की ये सारी बातें रिसेप्शनिस्ट सुन लेती है और वो ब्लैक टाइगर से कहती है कि वो हॉस्टेजेस को बाहर ले जाने में उन लोगों की मदद करेगी। वो सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ब्लैक टाइगर को हाना का कॉल आता है और हाना जल्दबाजी में ब्लैक टाइगर को बताती है कि वो 15 मिनट में बेसमेंट वाले रास्ते के सामने मिनी बस लेकर आ रही है। ब्लैक टाइगर हाना से पूछता भी कि वो अब तक कहाँ पर थी तो हाना उससे कहती है कि वो पर्सनली ब्लैक टाइगर को सारी बातें समझा देगी। हाना और ब्लैक टाइगर की सारी बातें सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट ब्लैक टाइगर से वॉकी टॉकी मांगती है और मिस्टर आन को वॉकी टॉकी के जरिए कॉन्टेक्ट करके कहती है कि सभी हॉस्टेजेस इस समय ब्लैक टाइगर के साथ छत पर मौजूद है और वो लोग जल्द से जल्द बैनर्स के जरिए आप सभी लोगों को एक्सपोज करने का प्लान कर रहे हैं। मिस्टर रान रिसेप्शनिस्ट की बात मान लेते हैं पर नामदेल मिस्टर रान से पूछता है कि क्या हम इस लड़की पर भरोसा कर सकते हैं तो मिस्टर रान उन्हें बताते हैं कि ये वही लड़की है जिसने मुझे डॉक्टर के बारे में टिप किया था। अब रिसेप्शनिस्ट की खबर को सच्ची मानते हुए नामदेल अपनी सभी फोर्सेस बेसमेंट के दरवाजे से हटवा कर टेरिस और मेन गेट की तरफ भेजता है। जो थोड़ी बहुत सोल्जर बेसमेंट की तरफ मौजूद थे उन्हें सोहो आकर जान से मार देता है। हॉस्टल के अंदर जब सभी हॉस्टेजेस बेसमेंट वाले रास्ते पर जा रहे थे तभी कैंटीन वाली आंटी को दौरा पड़ता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है। अब उन्हें बचाने के लिए योंगरो वार्डन और रिसेप्शनिस्ट उनके पीछे भागती है पर गलती से कैंटीन वाली आंटी का पैर वायर टेप पर पड़ जाता है और ब्लास्ट की वजह से कैंटीन वाली आंटी जख्मी हो जाती है वो भी बुरी तरीके से। हाना जल्द से जल्द बेसमेंट के पास अपनी बस लेकर आ जाती है। ब्लैक टाइगर जैसे ही हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उसके सामने सोहो खड़ा है। ब्लैक टाइगर सोहो से कहता भी कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए पर सोहो उसकी बात का कोई भी सीधा जवाब नहीं देता। सभी हॉस्टेजेस जैसे ही बस में बैठते हैं सोहो ये बात नोटिस करता है कि योंगरो और मिसेस पी हॉस्टेजेस के साथ मौजूद नहीं है। सोहो उन दोनों को ढूंढने के लिए हॉस्टल के अंदर जाता है और ब्लैक टाइगर हाना से कहता है कि वो सभी हॉस्टेजेस के साथ यहाँ से भाग जाए। हाना ब्लैक टाइगर से इमोशनल होते हुए कहती भी है कि उसे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना है ताकि हाना उसे खुद से मार सके। ब्लैक टाइगर भी हाना से वादा करता है कि वो हाना के अलावा किसी और को भी अपनी जान लेने का हक नहीं देगा। हाना और ब्लैक टाइगर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हाना सभी हॉस्टेजेस को लेकर वहां से चली जाती है।
सोहो हॉस्टल के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वार्डन, यंगरू और रिसेप्शनिस्ट कैंटीन वाली आंटी की मदद कर रहे थे। वो लोग जैसे ही कैंटीन वाली आंटी को अंदर लेकर जाते हैं, एएनएसपी के एजेंट्स अंदर आ जाते हैं और वो लोग फायरिंग करने लगते हैं। सोहो भी इन सभी लेडीज को कवर कर रहा था कि जल्द ही ब्लैक टाइगर भी उसकी मदद के लिए आ जाता है। सोहो और ब्लैक टाइगर ग्रेनाइट की मदद से सभी एएनएसपी एजेंट्स को घायल कर देते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए सभी लेडीज को प्रेयर रूम में ले जाते हैं। प्रेयर रूम वाले सीक्रेट रास्ते से वो सभी लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी बाकी एजेंट्स उनका पीछा करने लगते हैं। सोहो उन सभी एजेंट्स को संभालता है, तब तक ब्लैक टाइगर कैंटीन वाली आंटी, वार्डन और रिसेप्शनिस्ट को दरवाजे तक छोड़ कर आता है। ब्लैक टाइगर जैसे ही वापस आता है वो सोहो से कहता है कि तुम्हें यहाँ से अभी यंगरू के साथ निकलना चाहिए और मैं तुम दोनों को कवर करने के लिए इन सभी एजेंट्स को संभाल लूंगा। ब्लैक टाइगर की बातों को ना मानते हुए सोहो से कहता है कि यंगरू को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें यंगरू और बाकी लेडीज के साथ यहाँ से भाग जाना चाहिए। सोहो ब्लैक टाइगर को अपनी जीप की चाबी भी देता है जिसमें वो यहाँ पर आया था। ब्लैक टाइगर सोहो की बात सुनने के बाद उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरी बात को बीच में क्यों काटते हो, जब मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से जाओ तो तुम जाओ। ब्लैक टाइगर को समझाते हुए सोहो उससे कहता है कि अगर तुम इन सभी लोगों के साथ बाहर निकले तो तुम इन सभी को सेफ रख पाओगे। नम आंखों के साथ ब्लैक टाइगर एक आखिरी बार सोहो को अलविदा कहता है और यंगरू को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचने के बाद ब्लैक टाइगर जैसे ही दरवाजे को अनलॉक करने लगता है, यंगरू मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाती है। सभी सोल्जर्स को मारते वक्त सोहो को भी कई गोलियां लग जाती है। यंगरू जल्द से जल्द सोहो के पास पहुंचने की कोशिश करती है और वो जैसे ही सोहो को अपनी आंखों के सामने देखती है, सोहो के जख्मों को देख वो जोर जोर से रोने लगती है। यंगरू को शांत करने के लिए सोहो उसे अपने सीने से लगाता है। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर सभी लेडीज के साथ सेफली वहां से भाग जाता है। जल्दी एएनएसपी के और भी एजेंट्स हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं और दूसरी तरफ सोहो और यंगरू दोनों ही अटक की तरफ जाते हैं। सोहो का इतना खून बहते देख यंगरू उस खून को रोकने की कोशिश करती है। यंगरू की जान बचाने के लिए सोहो एक आखिरी बार नामतील को रेडियो करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्विस बैंक का अकाउंट नंबर और पासवर्ड बताऊंगा, पर इसके बदले में तुम्हें यंगरू की जान बचानी होगी। सोहो नामतील को स्विस बैंक का अकाउंट नंबर बताता है और उससे कहता है कि इसका पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ यंगरू को पता है। इतना बोलकर सोहो फोन कट कर देता है। अब पासवर्ड जानने के लिए नामतील सोहो और यंगरू को बचाने के लिए भागता है क्योंकि पासवर्ड सिर्फ उन दोनों को ही पता था। सोहो के खून को ट्रेस करते हुए एएनएसपी के एजेंट अटक तक पहुंच जाते हैं और वो सोहो से कहते कि अगर तुमने अभी सरेंडर कर दिया तो ये लड़की की जान बच जाएंगी। सोहो यंगरू की जान बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो भी बंदूक तान कर। पर एएनएसपी के एजेंट जैसे ही सोहो से कहते कि अगर उसने बंदूक नीचे रख दी तो वो यंगरू की जान बख्श देंगे, सोहो बंदूक नीचे रखने से पहले एक आखिरी बार यंगरू को मन भर के देख लेता है। और फिर सोहो जैसे ही बंदूक नीचे रखता है, एएनएसपी के एजेंट सोहो और यंगरू पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब यंगरू को बचाने के लिए सोहो उसे टेबल के पीछे धक्का दे देता है और सभी सोल्जर्स सोहो का शरीर गोलियों से छन्नी छन्नी कर देते हैं। एजेंट्स यंगरू पर भी गोली चलाने वाले होते हैं, पर तभी उन्हें नामदेल की आवाज आती है और वो उसे रुकने के लिए कहते हैं। सोहो अपने आखिरी समय में यंगरू को टेप देते हुए कहता है कि जल्दी नामदेल आकर यंगरू को घसीटते हुए सोहो से दूर ले जाता है और सोहो भी एक आखिरी बार यंगरू को सुरक्षित देखने के बाद अपना दम तोड़ देता है। 5 दिन बाद हम देखते हैं कि रूलिंग पार्टी इलेक्शंस हार जाती है और रूलिंग पार्टी के हारने की वजह से नामतील, चांगसू और मिस्टर रान को जेल होती है, क्योंकि अब इलेक्शन स्कीम के बारे में पूरी दुनिया जानती थी। नामतील और मिस्टर रान की सारी प्रॉपर्टी भी सीज हो चुकी थी और उनके परिवार वालों के पास अपने हालातों पर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। दूसरी तरफ मिसेस चांगसू चांगसू का सारा पैसा लेकर अपने बेटे के साथ कहीं भाग जाती है। मिसेस चांगसू की इस जेस्चर से हमें साफ समझ में आता है कि वो चांगसू के साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर और पैसे के लिए थी। कुछ समय बाद हम देखते कि हाना और ब्लैक टाइगर एक दूसरे के साथ है और हॉस्टल के अंदर सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे कि पहले हुआ करता था। रिसेप्शनिस्ट ने भी वार्डन को उनकी गलतियों के लिए माफ कर दिया था और वो दोनों अब साथ मिलकर काम कर रहे थे। अगले दिन यंगरू उसी कैफे में जाती है जहाँ पर सोहो और वो पहली बार मिले थे। सोहो की सीट पर बैठने के बाद यंगरू वो टेप प्ले करती है जो कि सोहो ने उसे अपने अंतिम समय में दी थी। टेप के जरिए सोहो यंगरू से कहता है कि जब उसने पहली बार यंगरू को देखा था तभी उसे यंगरू से पहली नजर में प्यार हो गया था। सोहो यंगरू से ये भी कहता है कि अगर वो एक आम इंसान होता तो डेट के बाद वो यंगरू को एक और डेट के लिए पूछता
और फिर जब हम दोनों कपल बन जाते तो हम लोग रोज किसी ना किसी नई जगह पर जाते, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क या फिर मूवीज। अपनी बातों को कंक्लूड करते हुए सोहो योंगरो से कहता है कि योंगरो ने ही सोहो के अंदर के सीने के पत्थर को दिल बनाया है। सोहो योंगरो से ये भी कहता है कि वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। सोहो की पूरी टेप सुनने के बाद योंगरो सोहो को याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। एपिसोड के एंड में हम एक सीन देखते हैं जहां पर सोहो योंगरो के लिए उसी कैफे में गाना गा रहा था जहां पर वो दोनों पहली बार मिले थे, और योंगरो भी सोहो को प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। और इसी सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई होप आपको ये सीरीज और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। जाने से पहले प्लीज कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स ऑन स्नो ड्रॉप। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, सी यू नेक्स्ट सीरीज, बाय बाय।